डिटेल दी थी कि आपको कि मैं पुर्तगाल कैसे आया। काफ़ी दोस्त मेरे से मुझसे सवाल करते हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी पर्सनल सवाल भी करते हैं कि आप कैसे आए पुर्तगाल। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपको दूंगा कि मैं किस तरह पुर्तगाल आया, किस कंट्री का मैंने वीज़ा लिया और किस तरह मैं आया। तो आज यही ब्लॉग है, तो मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल से कि आज का जो टॉपिक है वो चेंज है, और वो चेंज इसलिए है कि मैंने कहा चले कुछ दोस्त से मेरे दोस्त अहबाब थे, कुछ जानने वाले थे और बहुत सारे लोग थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल है। तो कुछ डिटेल्स वो पूछना चाह रहे थे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं एक पूरा मुख्तसर सा व्लॉग डालूँगा इस हवाले से कि किस तरह मैं पुर्तगाल आया, कैसे मैंने शेंगन कंट्री का वीज़ा लिया, किस कंट्री का मैंने वीज़ा लिया और किस तरह मैं आया। तो आज यही ब्लॉग है, तो मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो देखिए मेरा जो पासपोर्ट है ना, मतलब मैं कराची का, तो जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एक्चुअली मेरा जर्मन का वीज़ा लगा था, और जर्मन कॉन्सलेट आपको पता है, जैसे जर्मन एम्बेसी, मेन बड़ी एम्बेसी तो इस्लामाबाद में, कॉन्सलेट जो है कॉन्सलेट जनरल तो इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन कराची के अंदर भी उनकी छोटी सी एम्बेसी है। तो हम बेसिकली मैं कराची से हूँ, तो मुझे कराची में वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो कराची कॉन्सलेट से मेरी जो है ना वो तो कराची में मेरी अपॉइंटमेंट थी, पहले मेरी अपॉइंटमेंट बुक, जिसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए। मतलब डॉक्यूमेंट्स रेडी होने से मुराद ये है कि मेरी बैंक स्टेटमेंट थी जो आपको लास्ट 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है। 6 मंथ की भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स की बहुत ज़रूरी है, और उसमें जो है ना अच्छा अमाउंट होना चाहिए, इन और आउट होना चाहिए। दूसरा आपका एनटीएन होना चाहिए, टैक्स रिटर्न होना चाहिए, और अगर आप जॉब नहीं करते या आप जॉब लेस हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो खैर मेरा मतलब एनटीएन भी बना हुआ था और मेरा टैक्स रिटर्न भी था, मेरी 10-11 लाख रुपये स्टेटमेंट थी, और मेरा ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए, अपॉइंटमेंट ली। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पासपोर्ट पे 2-3 बड़े वीज़े लगे हुए थे, जिस तरह के मतलब आपको पता है या नहीं पता, मैं इंग्लैंड में भी रह के आया हूँ तकरीबन 4.5 ईयर्स एज अ स्टडी वीज़े पे मैं वहाँ मौजूद था। और उसके बाद मैं जब इंग्लैंड से आया, उसके बाद मैं साउथ कोरिया ट्रैवल किया, तो 2 बड़े वीज़े मेरे पासपोर्ट पर हैं। तो ये बड़े मैटर करते हैं आपके पासपोर्ट पर होना, क्योंकि ये हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। तो उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट लिया और मैंने जाके वीज़ा अप्लाई किया, और कॉन्सलेट के अंदर तो 5 से 10 मिनट का उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया कि आप क्यों जाना चाहते हैं और आप वहाँ जाके क्या करेंगे। और आपको पता है वहाँ पर बहुत सर्दी है। मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था वो क्रिसमस के डेज़ में किया था अप्लाई, तो ऑब्वियसली ये तकरीबन 2-3 साल के बाद उन्होंने वीज़े ओपन किए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर बहुत फ़्लाइट्स वगैरह बंद थी, एम्बेसी वीज़ा सब कुछ बंद था। तो उन्होंने मेरा 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे कहा ठीक है, वी विल कॉल यू फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। तो आफ्टर 2 वीक्स फिर मुझे कॉल आई, मैं गया इंटरव्यू के लिए। तो फिर मेरा एक मेन इंटरव्यू हुआ जो उनकी कॉन्सलेट जनरल थी, उससे मैंने इंटरव्यू किया, और उसमें तकरीबन मेरे से 5 मिनट सवाल जवाब की, यही सेम कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपकी फैमिली है तो आप फैमिली के साथ क्यों जाना चाहते हैं, किस लिए जाओगे, आपको जगह का पता है। और जर्मन में उन्होंने मुझे कुछ बहुत सारी जगहों के नाम पूछे कि किस किस जगह जाओगे, तो मैंने बताया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा ठीक है जी, हम आपको वीज़ा इशू कर रहे हैं। और इस तरह मतलब मेरा वीज़ा इशू हो गया। और फिर मैंने जर्मन ट्रैवल किया। जर्मन जब मैं आया मैं 2 से 3 दिन वहाँ रुका। उसके बाद पुर्तगाल की कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद थी कि पुर्तगाल पूरे यूरोप में वो वाहिद कंट्री है जो सबसे पहले पेपर मतलब आपको दे देती है ना। स्पेन भी है और भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, लेकिन पुर्तगाल इज़ वेरी गुड, बिकॉज मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्होंने मतलब TRC कार्ड जो होता है वो उन्होंने ले लिए हैं, और बहुत ईज़ी हो जाता है। मतलब आपको पुर्तगाल जैसे मतलब मैं आया जर्मन से मतलब मैं 2 दिन वहाँ रुका। उसके बाद अब क्योंकि देखें आपके पास किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा हो, शेंगन में आई थिंक 26 कंट्रीज़ आती हैं, तो आपके पास किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा हो आप आराम से किसी भी 26 कंट्रियों में आप, जैसे मसलन मुझे जर्मन का वीज़ा मिला, मैं फ़्रांस भी ट्रैवल कर सकता हूँ, स्वीडन भी ट्रैवल कर सकता हूँ, बेल्जियम भी कर सकता हूँ, डेनमार्क मतलब इस तरह स्विट्ज़रलैंड वगैरह, तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो खैर मेरी बात हुई दोस्तों के साथ, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो जर्मन से मैंने ट्रैवल किया पुर्तगाल। पुर्तगाल में आया, यहाँ पर मैंने होटल में स्टे किया, वहाँ पर मुझे लीगल एंट्री मिली। लीगल एंट्री लेके मैं आया और मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स बने और उसके बाद मतलब मेरी फ़ाइल लॉक हो गई। और मतलब अब ये है कि यहाँ पर मुझे जॉब कर रहा हूँ, मेरा टैक्स चाहता है और तकरीबन ये जो जैसे मेरी लीगल एंट्री है मुझे 6 टैक्स पे करने हैं। उसके बाद इनका प्रोसीजर है वो अब पहले तो मतलब 1 साल पे था, साल पे, फिर उन्होंने 1.25 साल कर दिया। अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि 2 साल तो हर हाल में मतलब आपके TRC पर लग जाते हैं और उसमें मतलब आपके मैक्सिमम टैक्स जितने भी आप जैसे किसी कंपनी में आप जॉब करें तो टैक्स तो आपके जाएंगे। तो मतलब ये है कि पुर्तगाल बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है, पे उसकी कम है लेकिन मतलब इतनी जल्दी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देता। तो लिहाजा मैं अपने दोस्तों को यही गुजारिश करूंगा जो मेरे जानने वाले करीबी हैं वो किसी और कंट्री में जाने के बजाय टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर उनके पास शेंजन कंट्री का वीज़ा है तो वो पुर्तगाल आएँ और यहाँ आके इसी प्रोसीजर को फॉलो करें और जल्द अज जल्द जो है ना TRC लें और फिर मतलब आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। फिर आप किसी भी शेंजन कंट्री में जाके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम सिर्फ आप पुर्तगाल में कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स। तो इंशाल्लाह मज़ीद में और डिटेल्स भी, मज़ीद ब्लॉग भी बनाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर आपको इंशाल्लाह मैं और भी इंफॉर्मेशन दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ा आया।